बिहार राज्य के रोहतास जिले के अंतर्गत सासाराम में मानव अधिकार महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाफिज मोहम्मद सबीर अली जी के नेतृत्व में पर्यावरण सुरक्षा को लेकर वृक्षारोपण का कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें गुरु का बाग, त्रिनेत्र गुफा, शाही मंदिर और सासाराम रेलवे RPF कार्यालय के प्रांगण में वृक्षारोपण का कार्यक्रम सम्पन्न किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि आजकल प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है, जिससे आम व्यक्ति को बीमारी का काफी सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण को बचाने के लिए मानव अधिकार महासंघ के बैनर तले हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिससे पर्यावरण का बचाव हो। इस कार्यक्रम में उपस्थित RPF टीम के इंस्पेक्टर श्री प्रदीप रावत जी, SI राजेश कुमार राय, आर्ची अजीत अजय एवं मानव अधिकार महासंघ के पदाधिकारी, राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष खुशबू साहू, राष्ट्रीय महासचिव सनोज कुमार सूर्या, राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर विकास कुमार, राष्ट्रीय सलाहकार JP सोनी, राम सुंदर चौरसिया, प्रकाश चंद्र, मोनू कुमार, विकास साहू मौजूद रहे। आज मानव अधिकार महासंघ के द्वारा सासाराम शहर के विभिन्न कोने कोने में वृक्ष रोपण किया जा रहा है। अभी हम सभी लोग सासाराम के रेलवे स्थल पर मौजूद हैं और हमारे साथ RPF इंस्पेक्टर और SI राजेश कुमार राय जी हम सभी लोग के साथ हैं। हम लोगों ने बहुत सारे पौधे लगाए और हमारे सौरभ जी भी हमारे साथ हैं, यहाँ देख सकते हैं। मानव अधिकार महासंघ के द्वारा वृक्षारोपण करके एक शांति का उद्देश्य दिया जा रहा है, जो आप देख सकते हैं। इस टीम में हमारी राष्ट्रीय महिला अध्यक्षा खुशबू साहू जी, राष्ट्रीय एडवाइज़र JP सोनी जी, राष्ट्रीय महासचिव सनोज कुमार सूर्या जी और रेलवे के बहुत सारे अधिकारी गण मौजूद हैं।